3 बटे 2 प्लस सी। देखिए यहां से मान रखते हैं हमने, एक तो ये बन गया आपका 0 बराबर लॉग रूट 3 बटे 2 प्लस सी। यहां से सी का मान निकाल लेंगे तो सी बराबर माइनस लॉग रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। अब यहां से सी का मान जो है उठाकर इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो ये आपका मान है सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर लॉग, इसको आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर की पावर 1 बटे 2 और प्लस c, c का मान क्या दिया माइनस लॉग रूट 3 को 3 लिख दीजिए बटे 2 को 2 कर 4 की पावर 1 बटे 2 लिख सकते हो, क्योंकि रूट 3 ही रहेगा और 4 को काट देंगे तो y बराबर 1 बटे 2 पहले आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और माइनस 1 बटे 2 लॉग 3 बटे 4, यही आपका क्या हो जाएगा मान प्राप्त हो जाएगा। कर लेंगे सभी लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, दिया गया है cos dy / dx बराबर a कॉमा a बिलोंग टू r कॉलन y बराबर 1 यदि x बराबर 0 दिया गया है। तो अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, cos को ज्यादा उधर ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका dy / dx बराबर cos इनवर्स a। अब आप देख लीजिए इसको dy / dx को भी dx को इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बराबर cos इनवर्स a * dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दे रहे हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन * dx। अब देखिए cos इनवर्स a एक गुणांक हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये आपका dy बराबर cos इनवर्स a इंटीग्रेशन 1 * dx। अब क्या करते हैं यहां से 1 का सम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स a तो ऐसे रहेगा * a का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और प्लस समाकलन निकाल c हो गया। अब जबकि कह रहा था a बिलोंग टू r, r आपकी रियल नंबर होते हैं कॉलन जितने से, तो यहां से a बिलोंग टू r कामा y बराबर 1 तथा x बराबर 0 पर, तो रख दीजिए यहां से y का मान 1 रख दीजिए और x का मान क्या रख दीजिए 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा y बराबर लिखा है cos इनवर्स a * x और प्लस c, रख दीजिए y का मान a बराबर cos इनवर्स a * x का मान क्या है पूरा 0 प्लस c। अब देखिए हमें पता है जब किसी भी पद को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है पूरा 0 हो जाता है, तो ये आपका 1 बराबर 0 प्लस c, तो c बराबर क्या निकल आया आपका 1। अब c का मान आपको प्राप्त हो गया, पुनः c का मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिए तो यहां से वही मान प्राप्त हो गया, अतः c का मान रखने पर तो हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स a * x और प्लस c का मान कितना निकाल रहे हैं आपने 1, यही व्यंजक का क्या प्राप्त हो जाएगा आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है dy / dx बराबर y tan x कारण y बराबर 2 और x बराबर 0 पर मान ज्ञात कीजिए, प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो देखिए मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद की अवकल समीकरण में पता है कि dy / y लिख सकते हैं, y बराबर तो यह आएगा बराबर tan x * dx। अब क्या करते हैं दोनों तरफ की
का निशान लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई बराबर इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये देखिए तो ये क्या हो गया वन अपॉन वाई लॉग वाई लॉग वाई बराबर टेन एक्स का हो गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। क्या हो गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब यहां से भी लॉग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग सी। अब आपका क्या हो गया दो तरीके से आपको बताया था यहाँ से अगर एक केवल सी लेते तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा सी बन जाएगा। तो अब आपका लॉग एम माइनस लॉग एन के रूप में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से आपके मान बदलेंगे अगर के लॉग लेते तो ये आपका लॉग सी ये बन जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग सेक एक्स इंटू सी। लॉग की तुलना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा वाई बराबर सेक एक्स इंटू सी। अब देखिए यहाँ से वाई और एक्स के मान दिए थे तो क्या हो गया वाई और एक्स के जब मान रखेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा वाई का मान दो दिया है तो दो बराबर सेक जीरो सेक जीरो इंटू सी। तो सेक जीरो का मान क्या होगा एक सेक जीरो का मान आपका क्या होगा एक तो दो बराबर एक गुणे सी तो सी बराबर क्या हो जाएगा दो। सी का मान आपका कितना प्राप्त हो जाएगा दो प्राप्त हो जाएगा। सी का मान वापस ये दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई बराबर सेक एक्स गुणे दो वाई बराबर क्या हो जाएगा टू सेक एक्स। ये इसका क्या प्राप्त हो जाएगा आपका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक तो आंसर आपका ये प्राप्त हो गया और अथवा दूसरा आपका क्या करेंगे जब यहाँ से केवल सी लेंगे क्या लेंगे केवल सी लेंगे तो ये आपका बन जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग सेक एक्स प्लस सी। लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई माइनस लॉग सेक एक्स बराबर क्या हो गया सी। अब रख दीजिए लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया क्या बन गया आपका लॉग एम माइनस लॉग एन। दो तरीके से भी और है यहाँ पर अगर सी भी ले लॉग ही लेते हैं तो लॉग सी ये भी रहेगा और लॉग सी ये भी रहेगा तभी भी वैसे बनेगा लेकिन यहाँ पर केवल सी लेकर ही हम बताते हैं क्या निकालते जब सी ही लेते तो ये आपका लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया तो लॉग वाई अपॉन सिक्स एक्स बराबर आपका क्या हो गया सी। अब यहाँ से ये टी दिया गया है अब आप देख लीजिए गुणांक पे टी होता है क्या बन जाएगा ई पावर सी गुणांक को ले देंगे ई पावर सी बराबर आपका हो जाएगा वाई तुरंत e की पावर c बराबर y का मान 2 अपॉन sec x sec 0 तो e की पावर c बराबर 2 अपॉन 1 तो e की पावर c बराबर क्या हो गया 2 निकल रहा है। e की पावर c बराबर 2 है तो इसको हम पूरा क्या मान लेंगे अगर c क्या मान लेंगे e की पावर c बराबर 2 तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका 2 तो यहाँ पर देख कर 2 रख देंगे तो 2 बराबर y अपॉन sec x तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 sec x ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकलन समीकरण y डैश अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन x है। ठीक अब क्या करते हैं इस y डैश को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। तो ये लिख सकेंगे dy अपॉन dx बराबर आपका e की पावर
पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ए, इसलिए गुणा फिर बन जाएगा प्रथम फंक्शन और द्वितीय फंक्शन, क्या बन जाएगा आपका, और प्लस आगे क्या आ जाएगा यहाँ से सी, प्लस आपका ये क्या आ जाएगा सी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे वाई बराबर माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्रथम फंक्शन, अब क्या करेंगे प्रथम फंक्शन इसी प्रकार इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन नेतांक आपका क्या दिया गया है सी, क्या दिया गया था समाकलन नेतांक सी रखेंगे तो वाई बराबर, अब देखिए ये और ये यहाँ से e की पावर x कॉमन मिल जाएगा तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x और माइनस ये पिक्चर जो दिया गया है ये आपका गुना i बन जाएगा, क्या बन जाएगा i के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक तो ये आप क्या आया ये देख लीजिए ये आपका क्या दिया e की पावर x, ठीक ये आप डाल दीजिए e की पावर x y है dy के रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये dy प्लस c और dy का क्या हो जाएगा y, ठीक ये आपका y बराबर e की पावर x ब्रैकेट sin x माइनस cos x माइनस y प्लस c, इसको रख रहे लाएंगे y और y कितना बनेगा 2y, 2y बराबर आपका e की पावर x ब्रैकेट आपका sin x माइनस cos x और प्लस c। यहाँ से आप देख लीजिए जबकि ये कह रहा था कि बिंदु जीरो का मान जीरो से गुजरता है, कैसे गुजरता है आपको बिंदु जीरो का मान जीरो से गुजरता है, तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं y बराबर e की पावर x अपॉन 2 ब्रैकेट sin x माइनस cos x प्लस सी, अब क्या करेंगे यहाँ से आप वाई और एक्स के मान लीजिए एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो से गुजरता है तो वाई बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो बराबर एक बटे दो इंटू ई की पावर जीरो ब्रैकेट साइन जीरो माइनस कॉस जीरो और प्लस सी, अब देखिए साइन जीरो का मान क्या हो गया जीरो, तो ये जीरो बराबर एक बटे दो इंटू ई की पावर जीरो का मान एक साइन जीरो मान और जीरो का मान एक प्लस सी, तो कितना हो जाएगा जीरो बराबर माइनस एक बटे दो प्लस सी, तो सी बराबर क्या निकल जाएगा एक बटे दो, ये आपका सी का मान प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा जब सी का मान आपका प्राप्त हो जाएगा तो दिया गया व्यंजक आपका ये दिया है इसमें सी का मान रख देंगे, सी का मान रखने रखेंगे क्या करते हैं व्यंजक वाई बराबर e की पावर एक्स अपॉन टू ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, सी का मान रखे रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा वाई बराबर e की पावर एक्स अपॉन टू ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी का मान एक बटे दो दिया, यही इसका क्या प्राप्त हो जाएगा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक करते हैं।